दौर था जब कुछ बातें ऐसी होती थी जिस पर चर्चा करने तक से लोग बचते थे, घबराते थे और शर्माते भी थे। लेकिन वही सारी बातों को आज मजाक के तौर पर खुलेआम बताया जा रहा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपके सामने सबसे बड़ा सबूत है टेलीविजन पर आने वाले शोज, जो कॉमेडी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फुहड़ता, भद्दापन और अश्लीलता परोस रहे। आज कॉमेडी शो किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर टीआरपी की होड़ में आगे रहना चाहते हैं, और इसी चक्कर में कॉमेडी पर बहुत पर्सनल, बहुत भद्दी और बहुत फुहड़ होने के आरोप लग रहे हैं। हमारे इंडिया में कॉमेडी के कारोबार से जुड़े लोग भी इससे अग्री करते हैं। आप शेखर सुमन को तो जानते ही होंगे। एक अच्छे खासे लंबे समय तक वो कॉमेडी शोज में जज और मेजबान की भूमिका में नजर आते रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपने हाथ खींच ली। बीबीसी ने शेखर से खास बातचीत में जब ये सवाल उठाया तो उनका कहना था कि जिस तरह का कंटेंट इस्तेमाल होने लगा था, डबल मीनिंग और बेहद अश्लील, उससे मामला गड़बड़ा गया। शेखर सुमन ने कहा कि निकलना जरूरी हो गया था, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा रुक गया, मुझे तो 2-4 साल और पहले निकल जाना चाहिए था। आप सुनील पाल को तो जानते ही होंगे, अरे वही जो गुत्थी के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। सुनील हमारे देश के एक जाने माने कॉमेडियन है। सुनील ने तो कह दिया था कि कॉमेडी के नाम पर सो कॉल कॉमेडियंस ने पोर्न दिखाना शुरू कर दिया है। सुनील पाल का इशारा कपिल शर्मा के शो पर था, और अब ऐसा लगता है कि सुनील पाल ने कपिल शर्मा के शो के बारे में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। आपको मालूम ही होगा कि कपिल शर्मा का द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने दूसरे सीजन के साथ पब्लिक को काफी एंटरटेन कर रहा है। शो के पिछले एपिसोड में भूल भुलैया 3 के स्टार कास्ट कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, दीप्ति डिमरी और डायरेक्टर अनीस बाजमी पहुंचे, जिनके साथ कपिल ने खूब सारी बातचीत और हंसी मजाक किया। लेकिन इसी दौरान सुनील ग्रोवर ने दीप्ति से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसकी वजह से अब उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार सुनील ग्रोवर को खरी खोटी सुना रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो से जुड़ा एक शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुनील ग्रोवर डफली बनकर शो में एंट्री लेते हैं। इसी दौरान वो तृप्ति डिमरी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप है ना वही जो एनिमल फिल्म में थी। इसके बाद सुनील ग्रोवर कहते हैं कि ये जो रणवीर कपूर के साथ आपने किया वो सिर्फ शूटिंग थी ना, ऐसा असली में कुछ नहीं था ना। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आप है ना वो जो एमिनल पिक्चर में थी, ओके आप थी वो जी। देखा मैंने आपने क्या क्या बोला मेरे बारे में, सब देखा मैंने। ये जो रणबीर कपूर के साथ आपने किया पिक्चर में, इनकी सीन वही अटकी है अभी तक। आई होप वो शूटिंग वगैरह थी, ऐसा असली में तो कुछ नहीं था ना। असली में कुछ नहीं था ना। या फ्रेंड्स देख लिया आपने कैसे एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस का मजाक के नाम पर खुलेआम चीर हरण किया जा रहा है। खैर, लोगों ने सुनील ग्रोवर को बख्शा नहीं, जमकर उनकी क्लास लगाई। कोई पूछ रहा है कि सुनील ने यह सवाल रणवीर से क्यों नहीं पूछा था, तो किसी का कहना है कि एक महिला को इस तरह अनकंफर्टेबल करने वाले थर्ड क्लास कॉमेडी बेतुकी है। वैसे वाकई सोचने वाली बात है, क्या ह्यूमर के नाम पर प्रोफेशनल एक्टर्स की खुलेआम बेइज्जती करना सही समझ लिया गया है? अगर यही बात है तो इस देश के कॉमेडियंस के साथ इस देश के ऑडियंस का क्या तो ह्यूमर मर गया है या उसका लेवल बहुत ही नीचे चला गया है। सुनील ग्रोवर एक नामी कॉमेडियन है, उनकी कॉमेडी को लोग पसंद करते हैं, उनको चलता फिरदा AI समझा जाता है, उनकी कॉमेडी का एक नेक्स्ट लेवल होता है। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल कब इतना बॉटम आ गया इसका पता किसी को भी नहीं चला। बहरहाल आपको क्या लगता है, मजाक और कॉमेडी के नाम पर सुनील ग्रोवर ने जो तृप्ति के साथ किया वो सही था या गलत? अपने जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा।